धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन है साध्वी सरस्वती सुरेंद्र पाल। मुंबई नवंबर माह में आयोजित होने जा रहे विश्व आपदा निवारण विश्व कल्याण महानुष्ठान की कार्यक्रम की रूपरेखा के संदर्भ में आज दिनक 21 अगस्त को रहेगा क्लासिक क्लब लोकल वाला अंधेरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से आमंत्रित सुविख्यात सीने अभिनेता सुरेंद्र पाल ने विश्व कल्याण महानुष्ठान की आयोजिका माननीय साध्वी सरस्वती जी के बारे में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना आपदा में साध्वी जी द्वारा आयोजित होने जा रहे इस महानुष्ठान से जन कल्याण तो होगा ही, समाज विपदाओं से छुटकारा भी पाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस आयोजन का एक हिस्सा बन पाया। साध्वी सरस्वती धर्म और अध्यात्म की दुनिया के अमिताभ बच्चन है, उनकी वाणी में जो है उसे सुनते ही बनता है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती ने नवंबर में आयोजित होने जा रहे इस महायज्ञ के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देते हुए श्री यंत्र से संबंधित सभी विषयों को रखते हुए श्री यंत्र की महिमा की व्याख्या की और उसकी महिमा के बारे में बताया। याद हो कि कोरोना महामारी से उत्पन्न विपदाओं से मानव समाज को उबारने के लिए विश्व में पहली बार विश्व कल्याण तथा समाज कल्याण व विश्व आपदा निवारण हेतु परम पूज्य साध्वी सरस्वती जी के पावन सानिध्य में एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यह महायज्ञ विश्व कल्याण हेतु 5,100 श्री यंत्रों के महानुष्ठान प्राण प्रतिष्ठित 11,00,000 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित श्री यंत्र होंगे जो 21 ब्राह्मणों द्वारा सिद्ध होंगे जिन्हें समाज के लोगों को दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं विश्व गुरु भारत की पावन भूमि को यहाँ के ऋषि मुनियों ने इस धरती को सनातन संस्कृति से सींचा है। प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि मुनियों द्वारा किए आविष्कार व उनके द्वारा उजागर रहस्यों को हम मनुष्य अनजान होते हैं। ऋषि मुनियों ने तो वेदों की मंत्र शक्ति को कठोर योग व तपोबल से साधकर ऐसे अद्भुत कारनामों को अंजाम दिया कि बड़े बड़े राजवंश व महाबली राजाओं को भी झुकना पड़ा। आज वर्तमान में इन्हीं वेदों की मंत्र शक्ति के उपयोग का समय है। आप जानते हैं विश्व प्राकृतिक भीषण त्रासदी झेल रहा है, वही कोरोना जैसी महामारी ने विश्व को हलकान करके रखा हुआ है। इसी के मद्देनजर विश्व में पहली बार विश्व कल्याण तथा विश्व आपदा निवारण हेतु इस महायज्ञ का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो भी इस विश्व कल्याण के कार्य के लिए जुड़ना चाहे तो वह जुड़कर अपनी सेवाएं दे सकता है। टोल फ्री नंबर 9266550404 है। इस प्रेस वार्ता में भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के कोषाध्यक्ष चिराग गुप्ता, गौ भारत भारती के संपादक व साहित्यकार संजय अमान भी मौजूद रहे। यह रिपोर्ट। खत्री नमस्कार, मुंबई में आपका स्वागत है। किस उद्देश्य से आप मुंबई में आपका आगमन हुआ है, क्या हो रहा है? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज विश्वव्यापी आप सभी जानते हैं जैसा कि 2 वर्षों से कोरोना नाम की महामारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग धन से, व्याधि से, शारीरिक रूप से, जान मान से हर प्रकार से हार चुके हैं। और हमारा बचपन से ही संकल्प रहा, मैं 5-7 वर्ष की उम्र से कथा करती हूँ, भागवत कथा, राम कथा, तो हमें एक ही भाव सिखाया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव से हम हमेशा ओतप्रोत रहते हैं। तो मैंने सोचा इन 2 वर्षों में मैं ऐसा क्या करूं समाज के लिए, ऐसा क्या करूं कल्याण समाज के लिए कि सब लोगों की व्याधियों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा राहत दे सकूं। तो विश्व में व्याप्त है ये समस्या, केवल भारत में ही नहीं है। तो विश्व के कल्याण के लिए हमने ये बात की कि विश्व में पहली बार 5,100 श्री यंत्रों का 11,00,000 मंत्रों से महा अनुष्ठान हम रखने जा रहे हैं। लेकिन इस अनुष्ठान की एक विशेषता है कि ये अनुष्ठान केवल किसी एक शहर, एक नगर में नहीं होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जितनी मेरी समझ है पहुंच है बाहर के भी अन्य देशों तक इसे पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत ही उत्तम अनुष्ठान लोगों के सौभाग्य के लिए रखा जा रहा है। इस यंत्र से क्या लोगों को फायदा होता है, क्या? जी हाँ, ये माता लक्ष्मी का श्री यंत्र मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। श्री यंत्र जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये बहुत ही छोटा सा इनका मिनिएचर स्वरूप है। इस श्री यंत्र को ही बाहर आप देखेंगे तो 450-500 ग्राम का ये छोटा सा श्री यंत्र अपने आप में है। ये पूरा का पूरा श्री यंत्र आप देखेंगे तो इसके जो पूरे स्टेप बने हुए हैं, एक स्टेप में भी अगर देखा जाए तो त्राटक की क्रिया जो होती है, जो हम लगातार उसमें देखते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। वास्तु के लिए ये ऐसा बताया गया कि किसी घर में कोई भी व्याधि है, वास्तु दोष है, भूत प्रेत की समस्या कुछ भी है, इसे रख दिया जाए तो चारों तरफ का आवरण पूरा शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक रूप से ये पूरा का पूरा श्री यंत्र जिस घर में भी स्थापित होता है, ब्रह्मांड की सारी सात्विक एनर्जी को ये अपनी ओर आकर्षित करता है और पूरे आवरण में फैलाता है।
तो ये कैसे क्या लोगों को आम जनता के साथ इस यंत्र को लेना या पाना जी संपर्क करके सर क्या? देखिए, हमने जब हमारे विषय में ये आया कि हमें ये कार्य करना है तो पूरी टीम ने मिलकर के एक रचना बनाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए, और उन्होंने ये भी सोचा कि 5100 श्रीयंत्र तो सिर्फ 5100 लोगों तक पहुंच जाएंगे, बाकी के लोगों का क्या होगा। तो हमने एक रचना बनाई कि हमारे जितनी भी कार्यकर्ता देश विदेश में है, प्रांतों में है, जिलों में है, उनसे बैठक की जाए, बातचीत की जाए, वो घर घर जाएंगे, अक्षत लेकर के उनके आएंगे, एक अनुष्ठान पात्र भी हमारा हमने बनाया है, उस अनुष्ठान पात्र में वो अक्षत डाले जाएंगे, उनको भी 1,100,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। रही बात ये श्रीयंत्र प्राप्त करने की, तो इसमें एक टोल फ्री नंबर हमने दिया हुआ है 9266550404। इस टोल फ्री नंबर पे जो भी कॉल करता है उसे वो सारी जानकारी मिलती है और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए समुचित जो जानकारी होती है वो वहां प्राप्त होती है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि साध्वी सरस्वती जी के सानिध्य में, के निर्देशन में इस विश्व में पहली बार विश्व कल्याण के लिए 5100 श्री यंत्रों का 1,100,000 मंत्रों के साथ महाअनुष्ठान होगा। भारतवर्ष के अंदर श्री का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं किसी का विनाश काल आता है उसकी श्री समाप्त हो जाती है, इसलिए मनुष्य हमेशा भारत का व्यक्ति कोशिश करता है कि उसकी श्री बनी रहे। श्री बनी रहे माने स्त्री शक्ति बनी रहे, मातृशक्ति बनी रहे। जो श्री यंत्र है उस मातृशक्ति का एक अनुपम प्रतीक है और उस प्रतीक के प्रति इस देश में अनेकों हजारों लाखों संतों ने उसकी साधना की है, उसके प्रति अपना अर्पण किया है, और इस कारण से जो भी श्री यंत्र का जाप करता है, उसका अनुष्ठान करता है, उसे यश प्राप्त होता है, श्री प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्ति होती है। मेरा विश्वास है कि साध्वी जी के संचालन में ये जो अति पुनीत और पुण्य कार्य है, ये पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक चलेगा। न केवल इस देश में, इस देश से बाहर भी इसकी स्थापना होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं फिर से आयोजकों का आभार प्रकट करता हूँ और उनकी सफलता के लिए शुभकामना करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।